अच्छा काम, मेहनत से किया हुआ काम अगर हम दिल से करते हैं तो उसका फल मिलता है। मेरा तो एक शॉर्ट में कहना है। इसके पहले कि आप लोग कुछ सवाल जवाब करें, मैं सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि शॉर्ट नोटिस के अंदर मीडिया बेडिया फिल्म स्टूडियो, बेडिया फिल्म म्यूजिक के अंदर आई। हमारी नई नई कंपनी है और मैं बहुत भाग्यवान हूं कि दो दो हीरोइन दाएं और बाएं, एक राजपूत एक जाट, उसके बीच में मैं फंसा हूं। और बहुत ही हमारे आर्य भाई, ये जो ऐसी ऐसी क्रू, ऐसी यूनिट, मैं किसी प्रोडक्शन हाउस का नाम नहीं लेना चाहता। वो लोग अपने हीरो हीरोइन से इतने परेशान रहते हैं, अपनी टीम से परेशान रहते हैं, और मैं भगवान का शुक्र मनाता हूं। जैसे मुकेश भाई, मेरे मुकेश भाई हैं, मुकेश भाई कहाँ हैं, बाहर है? जैसे मुकेश भाई हैं मेरी टीम के, मेरा मोहसिन है, मुंडे जी, एनके, आप लोग, तो ये प्रोफेशनल रिश्ता नहीं है, ये दिल का रिश्ता है आपके और मेरे बीच में हमेशा। एनके भाई के जैसे मुझे बड़ा भाई मानता है, मुंडे जी मुझे बड़ा भाई मानते हैं, हम दुख सुख के साथी हैं, और ये मेरी जो पूरी टीम है ना, ये भी मेरे दुख सुख की साथी है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैडम मैडम, इतने दिल से इन्होंने काम किया है, हमारा हीरो इतने दिल से काम किया है, पूरा मैनेजमेंट यहां से ऑफिस से मुकेश भाई और आरिफ भाई ने संभाला है। मैंने कुछ नहीं किया, सारा श्रेय इनको जाता है, और जो जालिमा हिट हुई है उसका श्रेय भी इनको और आपको जाता है। जालिमा हमने हिमाचल प्रदेश में शूट किया, और जालिमा का जो राइटर है अमित राठौड़, और उसी ने कंपोज किया है, और वो बहुत अच्छा काम करता है, मेरा दोस्त है, और उन्होंने मुझे वो गाना बना के दिया। एक्चुअली वो गाना उसने मेरे लिए बनाया था कि मैं जाके गाऊं, और जब मुझे ऐसे लगा कि मेरे गाने से कुछ काम चलने वाला नहीं है, तो अमन खान को, आलम खान को सब जानते हैं आप लोग, ये जो बॉडीगार्ड का जिसने गाना गाया है ना, अक्षय की फिल्मों के गाने गाए हैं, तो वो भी बड़ा क्लोज है, फैमिली है, तो मैंने उसको कहा, और उसकी सुर बहुत हेवी सुर है, और उसने वो गाना बहुत अच्छे से गाया। इन्होंने काम बहुत अच्छे से किया मेरे दोनों एक्टर्स ने, और इसकी पूरी क्रेडिट जाती है टीम का कप्तान मुनीश कल्याण को, जो बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने डायरेक्ट किया। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, जालिमा का जो गाना है ये 5 लोकेशन के ऊपर फिल्माया गया है, और पूरा गाना एक दिन में शूट किया, क्योंकि बजट ही मैंने उतना दिया था उनको। उन्होंने क्या किया कि सेंट्रल में एक छोटी सी होटल ली, एक गाड़ी ली, उस लोकेशन पे वैनिटी जा नहीं सकती, तो हीरो हीरोइन को होटल के अंदर उनका मेकअप करके, ड्रेस चेंज करके एक जगह ले जाते, फिर एक शॉट कंप्लीट होने के बाद में होटल लाते, फिर दूसरी जगह ले जाते, फिर तीसरी जगह ले जाते। बजट कम होना और वहां वैनिटी नहीं जाना, ऐसे 2 कारण थे। तो मेरा डायरेक्टर को फुल क्रेडिट जाती है, मैं फुल क्रेडिट गाने के डायरेक्टर को देता हूं। हम बेडिया फिल्म म्यूजिक, एक म्यूजिक कंपनी हमने बनाई है। आप ऐसा समझ लीजिए कि पहले के जमाने में जब मैं छोटा था तो गरीबों का अमिताभ मिथुन चक्रवर्ती हुआ करता था, है ना, हम बोलते थे ना कि गरीबों का अमिताभ बच्चन मिथुन चक्रवर्ती है। आज ये टीस, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, तो बड़े सिंगर से गाना गवाते हैं, बड़े कलाकार लेते हैं। मैंने ये तय किया कि हम पैसा भी लगाएं और कलाकारों के मस्के भी लगाएं और रिलीज करने के लिए भी मस्के लगाएं, 2 काम तो नहीं हो सकते, या तो हमसे पैसा ले लो या मस्का लगवा लो। तो मैंने सोचा कि हम हमारा ही करते हैं, और मैंने आईपीएल से बहुत कुछ सीखा।
आप देखिए इंडिया टीम के अंदर आज के 10 साल पहले सिर्फ 11 लोग 12 15 प्लेयर थे अपने इंडिया टीम में। आईपीएल आने के बाद में आज 111 है, हम 10 टीम बना सकते हैं क्या दादा? आप एकदम मेरे से सहमत हो ना? तो नए टैलेंट इतने कूट कूट के भरे हैं, इतने कूट कूट के भरे हैं। हमने कहा नए सिंगर से गाना गवाएंगे, नए हीरो से, नए हीरो को चांस देंगे, नई हीरोइन को चांस देंगे। हाँ उनको देंगे जिनको एक्टिंग आती है, जिनको कुछ आता ही नहीं उनको क्या देंगे। तो हमने ये हमारे दिमाग में, हमारी कंपनी में मैं बैठे, आरी भाई बैठे, सब लोग हम लोग बैठे और आज हमारे बैक टू बैक कल एक गाना रिलीज हुआ है, ऑन एयर हुआ है, याशिका जी का, वो बताएंगी। और इनका गाना एक दो दिन में रिलीज हो रहा है, वो बताएंगी। और बाकी की बात आरिफ भाई तो बाद में है, विकेट कीपर टीम के। हम लोगों ने शूट जो किया था ये मनाली में शूट किया था, इसका शूटिंग बहुत अच्छे से हुआ था और हम लोगों को था फील ही नहीं कि शूट करने जा रहे हैं, तो ये फील हो रहा था पिकनिक पे जा रहे हैं, सब लोग हॉलीडेज मना रहे हैं और कब ये काम हो, कब ये शूट कम्प्लीट हो गया। और कम्प्लीट होने के बाद जो रिजल्ट निकला वो बहुत अच्छा वाला निकला है, आई होप आप लोगों ने देखा वो सॉन्ग को, तो मुझे बड़ा मजा आया था। चैलेंजेस नहीं कह सकती, रहा होगा कि बहुत ही कूल पर्सन है, बहुत ही अच्छे हैं और टीम को मतलब बहुत कंफर्ट फील करवा, ऐसा नहीं करते कि प्रोड्यूसर तो कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत एकदम फैमिली की तरह रखते हैं सब। उम्मीदें थी और वाकई में मुझे वो उम्मीदें खरी उतर पा रही, और बड़ी खुशी हो रही मुझे चीज को देख के, क्योंकि टेंथ में चल रहा है, चीजें अच्छे से हो पा रही है। और ये मेरा न्यू लुक था, हिमाचली लुक कहीं ना कहीं कह सकते हो कि मेरे लिए न्यू था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उसको देख के। और भी इसका रिजल्ट अच्छा निकल रहा है, वो सबसे बड़ी खुशी की बात है। आज कैसे पाओगे सॉन्ग का नाम भी होना, मैं अश्क कैसे छुपाऊंगी इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूं। एक लड़का है, उसका नाम है सलीम इदरीसी, वो धारावी के अंदर साड़ी में जो तारे बुनते हैं ना उसका काम करता है और उसे लिखने का शौक है, तो वो मेरे पास आता है हमेशा। ये गाना उस लड़के ने मुझे दिया, तो जब मुझे लगा कि उसके बोल बहुत अच्छे हैं तो मैंने वो गाना मेरे कंपोजर को दिया। कंपोजर ने और अमान करके एक सिंगर है, उसने ये जो गजल गाई और कल रिलीज होने के बाद में उस राइटर को मैंने कहा कि तेरा गाना रिलीज हो गया है, आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, वो गाना देखने के बाद में फोन पर रो रहा था मेरे पास और रोने लग गया, बोला कि मुझे नहीं मालूम कि मैं इतना अच्छा लिखता हूं या आप इतना अच्छा बनाते हो। तो इतना हौसला बढ़ता है जब ऐसे बच्चों के साथ में हम काम करते हैं। हमारे साथ में लोगों की दुआएं हैं। अब तेरे नाम, अब मैं तेरे नाम की एक बहुत बड़ी कहानी है ये जो तेरे बिना की, मैंने कुछ 2018 में ये गाना एक फिल्म के लिए बनाया था और इसमें ये गाने के अंदर कौन सी पलक और अफरीदी, ऐसे दो जने से मैंने गाना गवाया थी 2018 में। गाना गवाने के बाद में जब 2024 आया तो ट्रैक पुरानी हो चुकी थी, फिर बड़े आर्टिस्ट के कुछ नखरे भी होते हैं कि एल्बम बनाओ मत बनाओ, ये है फलाना है ढिकाना है, तो मैंने क्या किया वो गाने को फेंक दिया, वो बोल उठा के मैंने नए सिंगर आलम और मीना ममता सिंह एक अपकमिंग सिंगर है उससे गवाया। और आप यकीन माने जब दोनों ट्रैक्स आप सुनेंगे ना तो ये ट्रैक्स ज्यादा मजबूत है और वो ट्रैक्स कमजोर है। जब मेरे को इतना अच्छा लगा तो मैंने मुनीस हमारे जो डायरेक्टर है उनको कहा कि वही लोकेशन ढूंढ के आप, उन्होंने इनकी फोटोज भेजी मुझे
और फोटो भेजी तो मैंने एक मिनट में ओके कर दिया क्योंकि मैं शूट पर जाता नहीं। और फिर इनका जो काम निकल कर आया, मैडम का काम निकल कर आया, उसके बाद में इतनी संतुष्टि हुई हमें। ये गाना जब ऑन एयर आएगा, मैडम का आ चुका है, आप लोग देखिएगा, और जो मैडम का गाना आएगा तो आप देखिएगा, हमारा चैनल धूम मचा रहा है, धूम मचाएगा। बैक टू बैक हमारे 5-6 गाने तैयार हैं। मुझे कल एनके ने पूछा, रिलायंस इतनी जल्दी जल्दी गाना रिलीज नहीं करता, आप लोग क्यों करते हैं? हमने कहा हमारे पास समय कम है, 6 महीने का ही समय, 6 महीने में हमारी कंपनी हमको टॉप पर लानी है, इसके लिए हम गाना बना रहे हैं। शायद दोनों अभिनेत्री आउट ऑफ इंडिया भी जा रही है कुछ गाने के लिए, वो हम मैं आपको अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी सारी जानकारी दूंगा। और तेरे नाम में तेरे बिना के अंदर राजपूत मैडम बताएंगी, पारुल जी, एक तो राजपूत एक जार बड़ा डर लगता है भैया मुझे, मैं वो संभाल संभाल के चलता हूँ। हाँ मेरे ढूंढने का तरीका बहुत सिंपल है, जैसे आपके रेफरेंस से कोई आ जाता है ना, तो मैं ले लेता हूं। ना कोई एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ना कोई पब्लिसिटी करते हैं। और मुझे अब मैं आपको बताऊं कि मैंने एक फिल्म बनाई थी 2012 में, बरखा, उसका गाना सुपर डुपर हिट हुआ था, अगर आपको पता है, तो इतनी खूबसूरत है। उसमें मैंने ताशा को लिया था, वो ताशा को ब्रेक देने वाला मैं हूं, तो ताकि आंख में मैंने उस टाइम देखा था, संजय लीला भंसाली ने आज देखा है, वो लड़के का पेशेंस देखा है मैंने काम करने का। तो मैंने उनको कहा था कि तू मेरी फिल्म में काम कर, न्यू कॉमर्स था, कोई पूछता नहीं था, मैंने 8 लाख की फीस दी थी उस जमाने में उसको। और 2012 के बाद में 2024 में संजय लीला भंसाली को समझ में आया कि यह लड़का बहुत टैलेंटेड है, और आज उसने वो हीरा मंडी के अंदर वो लीड रोल कर रहा है वो लड़का। हाँ, उसने मुझे फोन कर कहा कि, और अपने एक इंटरव्यू में भी देखा मैंने कि मैं आज 12 साल जो मैंने सफर किया है, मैं जिंदा हूं इंडस्ट्री में, तो सिर्फ वो गाने के बदौलत, बरखा के गाने के बदौलत। तो ये जब हम सुनते हैं ना कि हमारा बनाया हुआ लड़का बड़ा हीरो बन रहा है, खुशी होती है। और ये दोनों का भी फ्यूचर बहुत ब्राइट है, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो बिग बॉस जाके आए हैं अनिल जी के साथ, अभी सब आप लोगों ने कवर किया ही है, ये तो हमारे अनिल कपूर तो यही है भाई। तो ये दोनों का भी भविष्य बहुत उज्ज्वल है, इन्होंने भोजपुरी पंजाबियों में बहुत काम किया हुआ है। मैडम की एक एल्बम आ रही है जो पंजाबी गाने पे बेस है, मैं इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस अगले वीक जब करूंगा, जब मैं आप लोग को बताऊंगा। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार, और गाने के बारे में आपको बताना चाहूंगी, जो गाने का नाम है तेरे बिना, रियली नाइस सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग है, रोमांटिक बॉलीवुड सॉन्ग। और जब ये गाना शूट हुआ था, ये गाना चंडीगढ़ में शूट हुआ है, और चंडीगढ़ के आसपास की जो लोकेशन है, रॉक गार्डन शायद आप लोग जानते होंगे, और चंडीगढ़ से बाहर हिमाचल में शूट किया था हमने ये। और जब हम लास्ट एक करने वाले थे, आंधी आ गई, तूफान आ गया, मतलब बारिश आ गई लास्ट डेट पे, फिर भी हमने ये शूट किया, तो बहुत अच्छा शूट हुआ। एंड थैंक्स टू मिस्टर संजय, तो उन्होंने मुझे इस गाने के लिए चूज किया है, और मिस्टर मुनीश कल्याण जो इस गाने के डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम, उनके साथ मैंने पहले काम किया है, अभी ये मेरा सेकेंड सॉन्ग था और उनके साथ फर्स्ट टाइम किया है, तो बहुत अच्छा लगा। आने वाला है मेरा भोजपुरी सॉन्ग आएगा, अभी उसका टाइटल डिसाइड नहीं हुआ, तो वो भी न्यू सिंगर है। पहले मैंने सॉन्ग्स किए हैं मिस्टर कल्लू, अरविंद कल्लू और राकेश मिश्रा जी के साथ गाने किए हैं, भोजपुरी ट्रैक्स मेरे आ रहे हैं, हरियाणवी भी आ रहे हैं, पंजाबी भी, और हिंदी अभी इनके साथ किया है, तो वो आने वाला बहुत जल्दी। मेरी फिल्म आने वाली मिशन माजी के नाम से, जो भीमो चक्रवर्ती के साथ में फिल्म है, और दूसरा हमारा एक सॉन्ग आने वाला सर के प्रोडक्शन हाउस में, जिसका नाम है प्यार, जो आई थिंक नेक्स्ट मंथ रिलीज हो जाएगा, जो क्या होगा। बाकी काफी सारा मैंने काम किया, क्योंकि मेरी स्टार्टिंग जो हुई थी राजस्थान से हुई, वहाँ की मैं राजस्थानी फिल्में की हैं, वहाँ के म्यूजिक वीडियो एल्बम्स वगैरह किए, यहाँ पे मैंने टीवी सीरियल्स वगैरह किए, और मैंने साउथ की फिल्म की, वो भी आने वाली है, जिसका नाम है एंड,
जल्दी आने वाली फिल्म में, तो ये सब काम के काफी सारे काम है जो अभी पाइप लाइन में। काफी अच्छा आपने काम किया है, आपके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरे अब तक के आप कह सकते हो कि बेस्ट प्रोड्यूसर हैं जो इतना कंफर्ट फील करवाते हैं आर्टिस्ट को, जो बिल्कुल भी ऐसे नहीं दिखाते कि मैं प्रोड्यूसर हूँ मैं ये हूँ, ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं करवाते। एकदम सबको फैमिली का माहौल फील करवाते, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो स्पोर्ट बॉय, कोई भी हो, सबको अच्छा फील करवाते हैं। तो इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है इन सब में काम करके, बड़ा अच्छा लगता है। सर ये आपके एल्बम तैयार है जालिमा, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? दो शब्द और आपका आशीर्वाद कैसा? जालिमा रिलीज हो गई है, सुपर डुपर हिट है। दूसरी एल्बम अश्क कैसे क्या है, अश्क कैसे छुपाओगी, कैसे छुपाओगी, कल ऑन एयर हुई है इनकी, और एक दिन में कुछ 25,000-30,000 व्यूअर्स के ऊपर है। और मैडम का गाना जब इनका थोड़ा सा ट्रेंड पे आ जाएगा तो मैडम का गाना रिलीज हो जाएगा। अब जैसे पारुल जी ने कहा कि आंधी आ गई, तो इनके शूट में भी आंधी तूफान आया था, तो डायरेक्टर ने मुझे फोन किया, क्या करें, शूट रोक दें, कल कर लें? मैंने कहा नहीं भैया, बजट वही है, आज करो या कल करो, बजट तो उतना ही है। मुंडी जी जानते हैं मेरे बजट के मामले में थोड़ा हाथ तंग रहता है। अब क्या है, मैं आप लोगों में से निकल के आया हूं, है ना, तो मुझे कोई और कोई सपोर्ट तो है नहीं भाई। मैं एक मिडिल क्लास का एक मराठी आदमी हूं, तो मैं सो समझ कर काम करता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आर्टिस्ट लोग भी मेरे से पैसे की बहुत बड़ी डिमांड इन्होंने कभी की नहीं, मेरे क्रू ने मुझसे डिमांड नहीं की। मैंने इनको वड़ा पाव खिलाया होगा तो उसमें खुश हैं, उसल पाव खिलाया होगा तो उसमें खुश हैं, है ना। देखो फिल्म बनाओ या एल्बम बनाओ, काम उतना ही होता है, आप समझे क्या? जब तक आपकी यूनिट एक होकर आपके साथ में काम नहीं करती, वो चीज अच्छी नहीं बनती। हमारी कोई भी चीज की ओपनिंग हंसते हंसते हुई है और उसका क्लाइमेक्स भी एंडिंग भी बहुत हंसते हंसते होता है, वो काम इतने जल्दी सहल जाता है, क्योंकि जब मैं मेरे डायरेक्टर को कोई काम देने के बाद मेरा इंटरफेरेंस नहीं रहता कि ये शॉर्ट ऐसे लो, मैं उसे शॉर्ट समझ लेता हूं होना क्या है, उसके बाद में मैं इंटरफेरेंस नहीं करता। और प्रोड्यूसर क्या है, वो डायरेक्टर के भी पप्पा बन जाते हैं, तो वो काम कहां से होगा, मैं वहां अपने आप को दूर कर लेता हूं। और आमिर भाई बहुत देर से आप खामोश हैं, और अभी तक कुछ कहें आप हमारे सबको कहते हैं, तो इसके बारे में आपके यूट्यूब पे लोग हैं, फ्रेंड है, और लड़कियों के बारे में क्या कैसे क्या कहते हैं? हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं आरिफ खान। मैं बस इतना ही बताना चाहूंगा कि मीडिया म्यूजिक कंपनी बहुत जल्दी आसमान की बुलंदियों को छूने वाली है, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये फटाफट एल्बम बनाने के लिए, अभी फटाफट ये इन्होंने जितने भी एल्बम बनाए, और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो जिसके अंदर इनको दिखता है कि ये आर्टिस्ट मेरे एल्बम के लायक है, फट से उसको ओके कर देते, दूसरे प्रोड्यूसर की तरह दूसरों की तरह घुमाते नहीं, भाई आप उसमें जचोगी तो जचोगी, नहीं जचोगी तो जाओ घर पे, सीधी सी बात, मतलब वो झोलझाल वाले काम नहीं है, साफ तौर पर मामला है। और मीडिया म्यूजिक कंपनी ऊपर वाले चाहते वाकई में बहुत जल्दी कि आप इसका नाम आसमान की बुलंदियों पर देखोगे, क्योंकि इनकी नीयत साफ है, जहाँ नीयत साफ होती तो सारी चीजें आसान हो जाती, और आर्टिस्ट का भी कोऑर्डिनेशन जो है ना, तो ये टोटल टीम वर्क है, और आर्टिस्ट का कोऑर्डिनेशन इनके साथ रहता रहता है बिल्कुल दोस्त की तरह, भाई भाई बंधु की तरह, क्योंकि वो भी लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं, बोलते हैं ना आप जो बोलेंगे वही पाओगे, तो इनका व्यवहार वैसा है, और खुल करके साफ सुथरी बात करते हैं, घुमा फिराते नहीं, ये इनकी खासियत है। और मुझे लगता है कि इनकी यही खासियत इनको आगे लेके जाएंगे, राजसावल हमारी याचिका जी का, तो इनको जब पहली बार देखा इनकी हाइट पर्सनलिटी मैंने देखा स्क्रीन पर, जब लेकिन जब स्क्रीन पर मैंने इनको देखा तो मुझे लगा ये कल की एक स्टार, और हमारी स्टार तो है, सुपरस्टार है, नहीं अभी तो स्टार है, सुपरस्टार बनेंगी है ना, थोड़ा वेट चाहिए। और हमारी पूर्वी जी का मैंने जब गाना देखा, पारुल ठाकुर का मैंने अभी कल ही वो एल्बम देखा है, उसके अंदर साड़ी में मैडम बड़ी खूबसूरत लग रही थी, और बहुत अच्छा काम उन्होंने किया, बड़े अच्छे एक्सप्रेशन, मतलब, और इन दोनों के अंदर जो लगन है, इन्होंने कभी पैसे को नहीं, और इनकी बात है, ये जो शख्स है मेरे दोस्त मेरे भाई, इनकी एक आदत है
कि ये जो इंसान के अंदर जो टैलेंट है उसको उभारने की कोशिश करते हैं, वो फिर उसके लिए इनको पैसा खर्च करना पड़े या जो भी इनकी तन मन धन से उसके साथ जुड़ जाते हैं। और जैसे इन्होंने ताज शाह के बारे में बताया कि उसको 8 लाख दे करके इन्होंने उसके जहाज संजय लीला बंसाली की फिल्म में आए और बहुत अच्छी एक्टिंग की है। तो खोज किसकी है? संजय बेड़िया की। तो ये दोनों की जो खोज है ये भी इनकी खोज कहलाएगी। बस इतना करें, आप लोगों का साथ चाहिए और बेड़िया म्यूजिक कंपनी जो है तो बहुत जल्दी वो ऊंची उड़ान उड़ेंगी, हौसले की उड़ान उड़ेंगी, क्योंकि जहाँ नीले साहब होती हम मुझे लाता नहीं। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। बेड़िया फिल्म अभी मेरा खुद का एक एल्बम आ रहा है, सलमान खान की लाइफ पर बने एल्बम, मैंने खुद ने लिखा है गाना। और थोड़ी सी लाइन बता देता हूँ कि हीरो में हीरो बस सलमान खान, सारे धर्मों का कलेजो सलमान, आगे का दैश दैश दैश, मतलब उनकी सलमान खान की बायोपिक बना दिया मैंने उसी एल्बम में, एक एल्बम में। और यहाँ तक कि सोहेल भाई को वगैरह उनके पूरे परिवार को मुझे लगता है वो पसंद भी आ गया है और ये बहुत जल्दी हम शूट करने वाले। हो सकता है बेड़िया म्यूजिक कंपनी के माध्यम से वो एल्बम आए और वो एल्बम भी जिस दिन आएगा वो भी छा जाएगा। अभी हम चयन कर रहे हैं कुछ लोगों का, उसमें एक हीरोइन, दो हीरो, डांसर्स और पूरा क्राउड है हमारा। एक सलमान खान फैन क्लब में ये गाना हो रहा है और बॉलीवुड पार्क में हम इसको शूट कर रहे हैं, जो फिल्म सिटी में बॉलीवुड पार्क है जिसका अंदर जाने का एंट्री 1000 रुपये, तो उसमें हम इसको शूट कर रहे हैं बहुत अच्छे लोकेशन से। तो कुल मिलाकर के अगर संजय बेड़िया साहब का या बेड़िया म्यूजिक कंपनी का हमारे साथ साथ रहा तो हम जुड़कर ये काम करेंगे और उसके अलावा 8-10 सलमान और भी हमारे और वो सब हम डिस्कस करेंगे अगर ऊपर वाले मंजूर होगा। तो ये बेजोड़ बोलते ना बेबी कॉल का जोड़ होता है। एक बात मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, हमारी कंपनी बहुत साफ सुथरी, छोटे बजट की, इंटेलिजेंट लोगों के लिए हमेशा वेलकम है। मैं शक्ल और सूरत नहीं देखता, मैं उसमें क्या टैलेंट है और वो टैलेंट कहाँ फिट होता है जाके, भाई वो हीरो में होता है, हीरोइन में होता है, साइड एक्टर्स में होता है, कॉमेडियन में होता है। अगर वो मेरे समझ में आता है तो आप में से भी कोई काम करना चाहे तो मुझे अप्रोच कर सकता है, एनी टाइम आप लोग वेलकम है। वो एक हमारे पत्रकार है हैदर, वो खुद वो भी अपने आप में एक एल्बम बनाते रहते हैं, तो वो उनको भी वो मुझे पीछे लगे हैं मेरे, और जिस दिन मुझे समझेगा कि ये मेरे गाने के लिए फिट है तो मैं उनको पिक करूंगा। हमारे यहाँ शक्ल की जरूरत नहीं है, स्केल की जरूरत है। स्केल है तो काम करिए। मैं अभी अभी ठाकुर मैडम से कह रहा था कि आप थोड़ी सी हेल्दी है, पर वो एल्बम में जब आपने साड़ी पहनी है तो आप बहुत अच्छी लग रही हैं। ऐसा नहीं है कि हेल्दी आदमी हीरो या हीरोइन नहीं बन सकता, आप समझिए इस बात को। अगर मेरा वजन 10-20 किलो और कम हो जाए तो आप लोग पहचानेंगे नहीं मुझे, मेरी पर्सनालिटी जीरो हो जाएगी, समझे ना। तो ये पतली अच्छी लगती है और ये इनका जो ये है इनको कम वजन नहीं करना चाहिए, ऐसी मेरी सलाह है। तो पहले की जो एक्ट्रेस होती थी जी वो काफी हेल्दी होती थी, इतनी अच्छी लगती थी, और अब क्या चाहिए, सिर्फ इतने पतले जीरो, चाहिए जीरो साइज पिज्जा, खाना नहीं पतली कम है ना, मास से ये था अब भात से ये लोग। तो चलिए आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही मुझे प्यार सम्मान साथ देते रहे, मेरी तरफ से आप लोगों को प्यार सम्मान साथ, और मैं आप लोगों का दुख सुख का साथी हूं कभी भी 24/7। जैसे कि मैं गिरगांव का रहने वाला हूं, जानते हो आप, अभी तो यहां रहता हूं, मेरे लायक कोई सेवा हो, मैं सोशल वर्क भी करता हूं, एज ए पॉलिटिकल पार्टी का नेता भी हूं, तो मैं मेरे लायक जब कोई मेरे यार भाइयों की तकलीफ तो वो मेरी तकलीफ, जहां कम वहां हम, ऐसे मेरी बात होती है, जो मैं कर सकता हूं वो करता हूं। आप अरे दादा बेड़िया फिल्म स्टूडियो आप गूगल पे खोलिए, मेरे ही नंबर मिलेंगे, सीधा बात करिए, नहीं उठाया तो व्हाट्सएप करिए, मैं कॉल बैक करता हूं, नहीं तो 24 घंटा मेरा स्टूडियो खुला होता है, कोई भी आ जाइए वेलकम है। मैं काम नहीं दूंगा तो चाय तो जरूर पिलाऊंगा। और एक बात बोलना चाहूंगा मैं आपके लिए कि बेड़िया फिल्म स्टूडियो जो है तो अभी के लिए जो न्यू कमर है जिनके अंदर टैलेंट है, यहाँ टैलेंट की कदर है, अभी बता रहे सूरज शक्ल के साथ अगर टैलेंट हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो बेड़िया फिल्म जो है
तो न्यू जेनरेशन जो भी आई है हमारे नए टैलेंट को मौका देती है, तो मैं इतना ही कहूंगा कि सबके लिए खुला है मंदिर यहाँ हमारा, मतलब म्यूजिक कंपनी हमारा, तो और ये दरिया दिल इंसान के ये एक ही बात कहूंगा कि वो सबको गले से लगा के चलता है, हर एक को अपना बना के चलता है, कोई कैसे लगाए उनके कद का अंदाजा, वो आकाश है फिर भी सर को चुका। मैं राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर, कंपोजर, उन सबको भी वेलकम करता हूं, नए हैं पर गुण है तो आ जाइए, मैं आपके साथ काम करने तैयार। नया सिंगर, आवाज अच्छी है, आ जाइए, मैं वेलकम, मैं उनका वेलकम। मुझे बड़े सिंगरों के दरवाजे पे जाना नहीं है, मुझे बड़े एक्टरों के दरवाजे पे जाना नहीं। मैं बड़ा खुश हूं मेरी इतनी एल्बम के अंदर, और जो आने वाली एल्बम आपको और इंप्रूवमेंट, हम गलतियां करते हैं तो हम गलतियों की सुधार भी करते हैं, फिर अगले एल्बम में हमारी टीम पूरी टीम बैठती है कि ये गलती हो गई अब इसको ऐसे सुधार लिया। मैं आप में से आया हुआ हूं, मैं कोई बहुत सारे लोग काम देता है, कोई फीस नहीं भरना पड़ता। हम न्यू कमर को हो सकता है तो उसकी फीस नहीं देते, पर हम यूनिट पे ले जाएंगे तो जो हम खाएंगे वो खिलाते हैं, हम जहां रहेंगे वहां रखेंगे, काम आना चाहिए। वहां जाकर कैमरे के सामने पूपू करने वाला हमको नहीं चलता, वो हम एक मिनट में हमको समझ में आता है हमको क्या करना, पर हम कोई फॉर्म भरवाना ये सब ब्लफिंग हमारे यहाँ नहीं चलती, कोई टाइप की ब्लफिंग नहीं चलती। थैंक यू ब्रदर्स।